हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रिटेल बैंकिंग का जो एसेट प्रोडक्ट हमने देखा था उसके ऊपर होम लोन्स के ऊपर केस स्टडीज करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया हुआ है कि मिस्टर एक्स ने जो है होम लोन अप्लाई किया 25 लाख का एबीसी बैंक के पास, और बैंक ने 25 लाख का जो होम लोन है वो सैंक्शन किया। सॉरी, ये वाई है फ्रेंड्स, एक्स नहीं है, मिस्टर वाई को रिपेबल इन 240 मंथ्स, यानी कि 240 मंथ्स में उनको रिपे करना है 20 ईयर्स के अंदर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% पर एनम। तो लोन अमाउंट हो गया 25 लाख और जो उनका रिपेमेंट टेन्योर है वो हो गया 240 मंथ्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 8.5%। तो क्वेश्चन है हाउ मच ईएमआई मिस्टर वाई हैव टू पे। कुछ नहीं फ्रेंड, जो ईएमआई का फॉर्मूला है उसके में हम सारी वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमारा यहाँ प्रिंसिपल जो है वो 25 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8.5%, उसको हम मंथली कर लेंगे तो उसको हम 1200 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, और एन जो है यहाँ पे मंथ में दिया हुआ है तो इसलिए हम इसको एज इट इज 240 मंथ्स लेंगे। फॉर्मूला है हमारा ईएमआई का पी इंटू आर मल्टीप्लाइड बाई 1+r की पावर n डिवाइडेड बाई 1+r की पावर n-1। तो 25 लाख मल्टीप्लाइड बाई 0.007083, फिर 1+0.007083 की पावर 240, 1+0.007083 का पावर 240-1। फ्रेंड्स, हाईएस्ट वैल्यू कैलकुलेशन के लिए जो वीडियो मैंने बनाया है उसको आप फॉलो कर लीजिए अगर आपको हाईएस्ट वैल्यू कैलकुलेट करने नहीं आता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसको फ्रेंड जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1777.5 मल्टीप्लाइड बाई, इसमें ऐड करेंगे और इसका 240 हम लोग निकालेंगे वैल्यू पावर, तो हमारा आएगा 5.44061। इसको डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा 4.44061, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इसमें से हमको सिर्फ 1 को माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारा 5.44061 आया तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा, यानी 4.44061 इक्वल टू, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करके तो हमारा वैल्यू आएगा 21,695, यानी कि उस हाउसिंग लोन का जो मंथली ईएमआई आएगा वो आएगा 21,695। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच इंटरेस्ट विल बी पेड बाई मिस्टर वाई। तो ईएमआई जो है फ्रेंड्स वो 21,695 है और मंथ जो है वो है 240 मंथ्स। तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले हम लोग उसका टोटल रिपेमेंट अमाउंट जो है वो निकाल लेंगे कि वो 20 ईयर्स में कितना अमाउंट पे करता है, और फिर उसमें से हम लोग प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो निकल जाएगा। तो 21,695 को हमने 240 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आया 52,06,800। तो इसमें से प्रिंसिपल जो है वो 25 लाख है, तो इसमें से इसको 25 लाख को हमने माइनस किया तो इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो आ गया 27,06,800। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन लोन अकाउंट आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 5 ईयर्स के बाद लोन अकाउंट में कितना आउटस्टैंडिंग बचा रहेगा उसको निकलना है। तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, इसमें हम लोग फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, पीवी 1+r की पावर n-1 डिवाइडेड बाई आर। फ्रेंड्स, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के लिए अलग से हमारा जो है चैप्टर है एबीएम के सेक्शन में, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रही हूँ, अगर आपने नहीं उसको देखा है तो आप उसको देख लीजिए, तो आपका फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे समझने में काफ़ी इजी होगी। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हमारा 25 लाख है लोन वैल्यू, और ईएमआई जो है वो हमारा 21,695 मंथली आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम लोग मंथली निकाल लेंगे और जो टेन्योर है उसको भी हम लोग मंथली में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 8.5 को 1200 से डिवाइड किया और हमने 5 ईयर्स को 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 60 मंथ्स का टेन्योर आ गया। कुछ नहीं, हम लोग फॉर्मूला में सारे वैल्यू पुट करेंगे, 25 लाख 1+r की पावर n-1 डिवाइडेड बाई आर। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा वैल्यू आएगा 381.8175-1615010। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 2203164। तो जो हमारा 5 ईयर्स के बाद जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा वो होगा 22,03,164। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आफ्टर 5 ईयर्स बैंक इंक्रीज इंटरेस्ट रेट टू 9% पर एनम, हाउ मच ईएमआई मिस्टर वाई हैव टू पे, यानी कि
पांच साल के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हाउसिंग लोन का वो 9% हो गया, पहले कितना था 8.5% था। तो ईएमआई जो है वो अब वाई को कितना पे करना होगा, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है फ्रेंड्स 5 ईयर्स के बाद हमने निकाला पिछले क्वेश्चन में 22,03,164, तो ये हमारा जो है पी हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 9 है, तो 9 को हम लोग मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 100 × 12 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 0.0075। एन जो है ये हमारा 5, टोटल टेन्योर जो था वो हमारा 240 मंथ्स का था, तो 240 में से हम 60 माइनस करेंगे, या फिर 15 ईयर्स जो है 20 ईयर्स में से उसका 5 ईयर्स चला गया तो 15 ईयर्स बचा, तो 15 में हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मंथ्स आएगा। सारे वैल्यू को हम लोग ईएमआई के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो पी इंटू आर 1 प्लस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पी इंटू आर 1 प्लस आर की पावर एन हमारा 180 है डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16523.73 मल्टीप्लाइड बाई 3.8380 डिवाइडेड बाई, यहाँ ये 3.8380 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 2.8380। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22,246। तो 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारा ईएमआई आ रहा था 21,695 और 9% पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ईएमआई आएगा 22,246। तो फ्रेंड्स होम लोन के ऊपर हमारा जो केस स्टडीज है यहीं ख़त्म होता है। तो आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।